हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका किचन रणवीर 90 में। और मैं लेकर आई हूँ आज भरवा भिंडी की सब्जी। इसे हम स्टफ्ड भिंडी भी कहते हैं और इसे ओकरा भी कहते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं ये और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती हैं। और गर्मियों का सीज़न है तो गर्मियों के सीज़न में तो भिंडी बहुत ही अच्छी मिलती हैं। तो आप भी इस तरह से भिंडी बना के देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी भिंडी हैं उन्हें हम अच्छे से वॉश करके सुखा लेंगे, या तो आप कपड़े से सुखाएं या इन्हें एयर ड्राई करके सुखाएं। इन्हें सूखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बनाएंगे इनका स्टफिंग के लिए मसाला। मसाला बनाने के लिए हमने एक बाउल लिया है। बाउल में हमने डालनी है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी हमने एक एक चम्मच ली हैं। उसके बाद डालेंगे इसमें हम सौंफ, एक चम्मच सौंफ ली है। उसके बाद डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला। उसके बाद डालेंगे कैरम सीड यानी कि अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद इसमें डालेंगे हम हींग, मैंने पिंच ऑफ हींग ली है। उसके बाद डालेंगे जीरा, फिर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और मैंने थोड़ी सी जो अजवाइन है 1/4 टीस्पून के आसपास अजवाइन और ऐड करी है। अब हम इसे कर लेंगे मिक्स। और अब गर्मियों का सीज़न है तो अमियां मिलती हैं, तो आप अमचूर पाउडर की जगह पे अमियां डालिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। इसे हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। मैंने एक अमियां ली थी, इस पूरी अमियां को मैं ग्रेट कर लूँगी ग्रेटर की मदद से। ये देखिए, अब इसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल, एक बड़े चम्मच। सरसों के तेल से जो भरवा सब्जी होती है कोई भी हो, बहुत ही लाजवाब बनती है। इसे मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हमारी जो स्टफिंग का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। अब हम भिंडी तैयार कर लेते हैं। भिंडी को हमें सबसे पहले दोनों टिप से कट कर लेना है, दोनों साइड से। उसके बाद हम बीच में एक चीरा लगाएंगे और इस तरह से फिंगर की मदद से इसे खोल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी की जो भिंडियां हैं वो भी तैयार कर लेंगे, दोनों तरफ से कट कर लेंगे और बीच में से उसे चीरा लगाएंगे और फिंगर की मदद से उसे हल्का हल्का खोल लेंगे। इसी तरह से हमें सारी जो भिंडी हैं वो तैयार कर लेनी है। अब हमें इसमें भरना है मसाला जो हमने अभी बनाया है। ये देखिए, सारी भिंडी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें मसाला भरेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने मसाला किस तरह से भरा है। आप भी इसी तरह से पूरा फिल करके मसाला भर दीजिएगा और बाद में जो बचा मसाला है उसे फिंगर की मदद से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आप सारी जो भिंडी हैं उसे स्टफ्ड कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में ये बन जाती हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए, मेरी जो भिंडी हैं वो सारी मैंने भर दी हैं। अब हम मैंने चलते हैं फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन लेना है। पैन में हमने तेल डालना है। ये देखिए, पैन लिया है, इसमें मैं 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डालूंगी। याद रखिएगा, इसमें तेल ज़्यादा पड़ेगा। इसमें हींग डालनी है, जीरा डालना है और इसमें डालनी है थोड़ी सी हल्दी। अब इसे मिक्स करके इसमें जितनी भी हमारी भिंडी थी जो हमने स्टफ्ड करके रखी हुई हैं वो हम डाल देंगे। ये देखिए, अब जब सारी भिंडी इसमें पड़ जाएंगी तो हमें इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए, हमने सारी भिंडी डाल दी हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक फुल फ्लेम पर हम इन्हें पकने देंगे। ये देखिए, 2 मिनट बाद गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और इन्हें ढककर कम से कम 8-10 मिनट के लिए हम पकाएंगे और बीच बीच में हम इसे हिलाते भी रहेंगे ताकि ये चिपके ना। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज जो हमने चॉप्ड करके रखी थी पहले से। ये प्याज हम ऊपर से डालेंगे। ये अलग तरीके से मैंने इसमें बनाया है कुछ, तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा। अब इसे ढककर 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये हमारी जो भिंडी हैं वो ऑलमोस्ट बन चुकी हैं। ये देखिए, पक चुकी हैं और तैयार भी हो चुकी हैं। अब इसे ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप चाहें तो इस समय पर गैस का फ्लेम बंद कर दें या प्याज डालने के बाद 2 मिनट तक और इसे ढककर पका सकते हैं। ये देखिए, अब मैं दिखा देती हूँ कि भिंडी पूरी तरह से पक चुकी हैं। 15 से 16 मिनट का इसमें जो समय लगा है, पक कुक होने में लगा है। अब हम इन्हें सर्व कर देंगे। आप इसे पराठे के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये सब्जी। तो आप भी मेरी इस टेक्निक से अपनी सब्जी बनाइएगा भिंडी की, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप भी इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।